हाय, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज मैं हूँ वेकेशन पे और इस समय मैं हूँ वेनिस की खूबसूरत वादियों में, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सो मैं वेकेशन पे आया हूँ लॉकडाउन के पीरियड में। थोड़ा सा अचंभा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में वेकेशंस। यस, बिल्कुल, ये वेकेशंस मैं आपको भी दिला सकता हूँ। कैसे, चलिए जानते हैं। सो वेनिस ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं हमारे पास जो जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, ये है देखिए खूबसूरत हमारे पीछे कस्टमाइज वॉलपेपर, रेंज ऑफ कस्टमाइज वॉलपेपर्स जो आपके कैफ़े, आपके घर, आपके ऑफिसेज के अंदर भी पहुंच के आपको वेकेशंस की फील करा सकता है और आपके यहाँ आने वाले लोगों को भी काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है। कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ये होता क्या है और बेसिकली वॉलपेपर्स और कस्टमाइज वॉलपेपर्स में क्या डिफरेंस है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर क्या होता है और ये वॉलपेपर रोल जो नॉर्मली हम वॉलपेपर्स बोलते हैं उससे डिफरेंट कैसे होता है। सो गाइस, कस्टमाइज वॉलपेपर्स वो वॉलपेपर होता है जो एज पर वॉल साइज प्रिपेयर किया जाता है, कस्टम किया जाता है। इसके अंदर हम वॉलपेपर चूज कर सकते हैं, यानी किस पेपर पे ये प्रिंट होगा, क्या इमेज होगी, किस वॉल साइज के अकॉर्डिंगली हमें इसको प्रिंट करना है और क्या क्वालिटी की प्रिंटिंग मशीन के अंदर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मल्टी, हम कस्टम कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस, एज पर आवर वॉल, इसीलिए इसको कस्टमाइज वॉलपेपर कहते हैं। नॉर्मल जो भी वॉलपेपर्स होते हैं उसमें जो पैटर्न होता है वो 2 फीट पे रिपीट होता है, जबकि कस्टमाइज वॉलपेपर एक ऐसा वॉलपेपर होता है जिसको हम एक सिंगल इमेज को पूरी वॉल के साइज़ के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके उस पर प्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी रेंज आती है हमारे पास, जैसे हम एक ब्यूटीफुल आपको नेचर वॉल दिखा रहे हैं, वेनिस का बहुत प्यारा वॉल है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। ये 3D इफेक्ट वॉलपेपर्स होते हैं, आप मेरे पीछे फील कर पा रहे होंगे, ये डोर है, ये उसकी बाउंड्री है और इवन ये फ्लावर पॉट और उस पर पड़ने वाली धूप, ये भी बहुत क्लियर नज़र आ रही है। ये USP है हमारे पास यूज़ होने वाली क्वालिटी मशीनरी की, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं आगे और वीडियो में जानते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर के बारे में। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग तरह के पेपर क्वालिटी के ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जैसे आप ये देख रहे हैं हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी इसमें क्लियर मेंशन है, इको फ्रेंडली है, लेटेक्स प्रिंटिंग है और ये हमारा बेसिक पेपर है HD, जिसको हम बोलते हैं लोग हाई डेफिनेशन बोलते हैं, फाइन क्वालिटी बोलते हैं, बट ये इकोनॉमी रेंज के अंदर अवेलेबल है हमारे पास। जहाँ तक प्राइस की बात शुरू करी जाए तो हमारे पास 50 रुपये स्क्वायर फीट से प्रीमियम क्वालिटी वॉलपेपर्स शुरू हो जाते हैं कस्टमाइज के अंदर। ये एक ऐसा वॉलपेपर है जिसमें PVC यानी प्लास्टिक होता है, इसके अलावा जो भी हमारे पास पेपर ऑप्शन है उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है, कोई भी PVC नहीं है, यानी 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। सो ये HD पेपर आ गया। अब मैं दूसरे पेपर ऑप्शंस दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा नॉन वूवन है मैट फिनिश के अंदर, जो कि डल फिनिश होते हैं। पेपर अगर हम बात करें तो ये नॉन वूवन पेपर है, अगर मैं ऐसे टियर करूँगा तो टियर हो जाएगा, बट लगने के बाद इसकी स्मूथनेस बहुत प्यारी आती है, क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हमारे पास इसी में प्रीमियम क्वालिटी आती है, नॉन वूवन इको फ्रेंडली नॉन वोन प्रीमियम वॉलपेपर है। इसकी क्वालिटी में प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आप ये जो इफेक्ट देख रहे हैं ग्लॉस इफेक्ट, बहुत अच्छा निकल के आता है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आती है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन हमें अवेलेबल है अलग अलग तरह के पेपर क्वालिटी जो फैब्रिक्स के अंदर है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सेल्फ एडहेसिव फैब्रिक है, फैब्रिक तो है ही है मगर ये पीलेबल फैब्रिक है, यानी अगर आप वॉलपेपर खुद लगाना चाहते हैं या ग्लास के ऊपर लगाना चाहते हैं तो इस प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक वॉलपेपर को आप अपनी सेल्फ एडहेसिव है आप अपने आप खुद लगा सकते हैं पील करके। ये जो है ये गमिंग है इसकी जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, फैब्रिक है, प्रीमियम रेंज होगी डेफिनेटली। इसके अंदर हमारे पास PVC भी अवेलेबल है जो नॉन फैब्रिक होता है, प्लास्टिक के अंदर सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर, जिसको आप चाहें तो अपने ग्लास पे या खुद लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नॉन एडहेसिव फैब्रिक है, फैब्रिक के लिए मैं चाहूँगा कैमरा थोड़ा नज़दीक आए जिससे हमें क्लियर कर सके कि इसका बेस जो है वो फैब्रिक है, पॉलिस्टर फैब्रिक होता है ये प्रिंटेबल, जो आप मैं पीछे से भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे के आगे, ये फैब्रिक वॉलपेपर जो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आता है वो अवेलेबल मिलेगा आपको रेड एंड वाइन पे स्पेशली। एंड जो ये फैब्रिक प्लस इसकी प्रिंटिंग है वो इको फ्रेंडली जैसे मैंने आपको बताया वही है। फिर एक ये वॉलपेपर आता है, ये एम्बोस्ड वॉलपेपर है, अभी कैमरे के आगे लाके आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं बेस पूरा एम्बोस्ड आ रहा है, एम्बोस्ड के साथ साथ ये प्रिंटिंग की गई है, ये एम्बोस्ड है और ये हमारा प्रिंट रेडी है। तो एम्बोस्ड वॉलपेपर का ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो लिनन फैब्रिक, ये लिनन फैब्रिक के अंदर वॉलपेपर है, आप फील करेंगे, मैं कैमरे के आगे जितना ला के दिखा सकता हूँ मैं दिखा देता हूँ, बाकी जैसे आप विजिट करते हैं तो फील करके भी देख सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी में काउंट होता है हमारा ये लिनन फैब्रिक वॉलपेपर, जिसके हम प्रिंटिंग करके आपको दे सकते हैं, इवन आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और ये हमारा है स्पार्कल पेपर, फैब्रिक के अंदर स्पार्कल यानी कि ये ग्लिटर इफेक्ट जो आप देख रहे हैं
बट ये किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर नहीं है, ये टोटली फैब्रिक के ऊपर है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में आपको कैनवास वॉलपेपर मिल जाता है लेदर एट, अगर आप चाहते हैं आपके सोफ़ास को भी हम कवर कर सकें एक आपके डिज़ाइन प्रिंटेड वॉलपेपर के थ्रू, प्रिंटेड आई मीन जिसको हम लेदरेट बोलते हैं, और बेसिकली वो पीयू होती है, पीयू लेदरेट फॉर्म जो होती है उसके भी हम प्रिंट करके आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सो पेपर क्वालिटीज़ जैसे आपने देखी, आप बहुत सारी पेपर क्वालिटीज़ हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर चूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी एरिया के अकॉर्डिंगली प्रिंट करा सकते हैं। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको भी आपको लगता है कि इस तरह के वॉलपेपर्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, यही हमारी कोशिश रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।